अस्सलाम वालेकुम। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक है वेब बेस्ड एप्लीकेशन सर्च इंजन। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस यूजिंग सर्च इंजन हमने देखना है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे सर्च इंजन की डेफिनेशंस को, देन हम लोग देखेंगे कौन से सर्वर फंक्शंस हैं जिसके बेस के ऊपर सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि SEO क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, और ये सारे का सारा काम किस तरह परफॉर्म होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सर्च इंजन। सर्च इंजन की डेफिनेशन आ जाती है इज अ वेब बेस्ड टूल दैट इनेबल यूजर टू लोकेट और फाइंड अ सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। एक वेब बेस्ड टूल है जिसको हम लोग अपने वेब के ऊपर यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग फाइंड आउट कर सकें एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को। कहाँ से फाइंड आउट कर सकें? www से। www क्या है? इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। किसके अंडर ये काम कर रहा है? W3 स्कूल के अंदर। वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम ऑर्गेनाइजेशन है, टीम बर्नली इसका हेड है। उसकी जो स्टाफ है वो किसको रन आउट कर रहा है, किसको लुका हेड कर रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब को लुका हेड कर रहा है कि सारी की सारी वेब के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर, एक मैनेज्ड फॉर्म के अंदर कौन लेके चल रहा है? ये ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रही है, W3 कंसोर्टियम। पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च इंजन आर गूगल, याहू एंड MSN सर्च इंजन। सर्च इंजन में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? गूगल आ जाता है, याहू आ जाता है, MSN आ जाता है। अब ये क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है? MS ने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसका नाम क्या है? बिंग, ठीक है? इन ऑर्डर टू शो अप इन सर्च रिजल्ट्स योर कंटेंट नीड टू बी फर्स्ट बी विजिबल टू द सर्च इंजन। कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास जो भी कंटेंट होगा वो पहले सर्च इंजन्स के पास होगा तो वो विजिबल होगा जनरल पब्लिक को। हम लोग अपना कंटेंट ऑनलाइन देते ही नहीं है, मतलब हम लोग डोमेन बाय ही नहीं करते। अपना जो सारे का सारा डाटा है हमारा वेबसाइट का, हमारा सारे का सारा कंटेंट है, उसको ऑनलाइन डेटाबेस के अंदर स्टोर ही नहीं करवाते, तो हमारा जो डाटा है वो जनरल पब्लिक तक नहीं पहुँच सकता, ठीक है? तो हम, ये क्या है? योर कंटेंट नीड टू बी फर्स्ट विजिबल टू दी सर्च इंजन्स। सर्च इंजन्स उसको विजिबल कर सकेंगे उस डाटे को, तो देन जो जनरल पब्लिक है देन उस डाटे को फाइंड आउट कर सकती है या सर्च कर सकती है। इट इज ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ SEO पजल। अब ये SEO पजल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका हम लोग आगे डिटेल में भी, हमारी एक दो स्लाइड्स आएंगी उसमें भी हम लोग देखेंगे। इसका बड़ा गहरा रिलेशन है सर्च इंजन्स के साथ। SEO क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इफ योर साइट कैन नॉट फाइंड, देयर इज नो वे यू विल एवर शो अप इन SERPs सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अगर हमारी जो साइट है वो फाइंड आउट नहीं होती तो हम लोगों को कोई भी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस शो अप नहीं करवाए जाएंगे। अब ये चीज क्या है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस क्या है? कि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल सर्च आउट करते हैं, आप लोग गूगल पे जाकर लिखते हैं बाय ऑनलाइन शूज, ठीक है? अब बाय ऑनलाइन शूज एक्चुअली ये टेक्निकल टर्म में क्या है हमारे पास? एक कीवर्ड है, ठीक है, या एक क्यूरी है, या हमारे पास एक सर्च टर्म है। यहाँ हमारे पास एक सर्च फ्रेज है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या लिखा है? हमने लिखा है ऑनलाइन शूज, बाय ऑनलाइन शूज हमने सिर्फ लिखा है। तो हमारे पास ये क्या है? एक क्यूरी भी है, एक कीवर्ड भी है, एक सर्च टर्म भी है, और एक हमारे पास सर्च फ्रेज भी है। अब इससे जो रिजल्ट्स हम लोगों को मिलेंगे, जो भी हमारे पास रिजल्ट उस पेज के ऊपर हम लोगों को शो होंगे, तो वो क्या होंगे? वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहलाएंगे। तो उसने लास्ट लाइन में यही बात की है कि अगर आपकी जो साइट है वो फाइंड आउट ही नहीं होती तो आपको कोई भी रिजल्ट शो अप नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है?
इसके बाद आ जाता है हमारे पास सर्च इंजन की ही मजीद एक्सप्लेनेशन है। सर्च इंजन यूटिलाइज्ड ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रेफर टू एज अ रोबोट बोट और स्पाइडर। अब ये रोबोट बोट और स्पाइडर क्या है हमारे पास, इसकी एक टर्म यूज की जाती है ठीक है। क्रॉलर्स को ही हम लोग रोबोट्स कहते हैं, बोट्स कहते हैं और स्पाइडर कहते हैं। दैट ट्रैवल अलोंग द वेब फॉलोइंग लिंक फ्रॉम द पेज टू पेज साइड टू साइड। अब क्रॉलर्स क्या काम करते हैं सर्च इंजन्स के अंदर कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर मूव ऑन होते हैं, मतलब नेविगेशन करते हैं एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को। किसके थ्रू? अवेलेबल लिंक्स के थ्रू। जो भी उस वेब पेज के ऊपर लिंक्स अवेलेबल होते हैं उस लिंक्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन हो रहे होते हैं ये क्रॉलर्स। अब हमारे पास क्या है कि वेब पेज का जो भी सारे का सारा कोड होता है, सोर्स कोड होता है, उसको कंप्लीटली रीड आउट करते हैं ये क्रॉलर्स। देन उसको रीड आउट करके सारे की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो वहां से कलेक्ट कर लेते हैं ठीक है। तो क्रॉलर्स का क्या काम है सर्च इंजन के अंदर, जो क्रॉलर्स को क्या कहते हैं, रोबोट्स भी कहते हैं, बोट्स भी कहते हैं और स्पाइडर्स भी कहते हैं, जो कि ट्रेवल कर रहे होते हैं एक लिंक से दूसरे लिंक तक, मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक वो मूव ऑन कर रहे होते हैं। और जिस जिस वेब पेज के ऊपर से वो गुजर रहे होते हैं सारे का सारा सोर्स कोड का जो सोर्स कोड है उसको वो क्या करते हैं, कंप्लीटली रीड आउट करते हैं और उससे जो भी डाटा होता है वो सारे का सारा कलेक्ट कर लेते हैं। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय द स्पाइडर इज यूज टू क्रिएट अ सर्चेबल इंडेक्स ऑफ द वेब। अब जो इंफॉर्मेशन गैदर कर ली जाती है डिफरेंट वेब पेजेस से मूव ऑन होके, स्पाइडर्स क्या था, अब क्रॉलर्स थे ठीक है। तो जो क्रॉलर्स डिफरेंट वेब पेजेस से हमारे डाटा जो है कलेक्ट कर लेते हैं उनको क्या किया जाता है, एक इंडेक्स के अंदर प्लेस कर दिया जाता है ठीक है। इंडेक्स का मतलब है कि उसको एक प्रॉपर एक फॉर्मेट वे के अंदर, एक सॉर्टिंग वे के अंदर उसको उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा दिया जाता है ताकि जब भी उसको सर्च आउट किया जा सके उस कंटेंट को तो वो इजी टू रिट्राइव हो ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च अराउंड 93% ऑफ द इंटरनेट सर्चिंग इज हैपनिंग ऑन गूगल। 93% जो लोग हैं वो सर्च रिसर्च किसके ऊपर करते हैं, गूगल के ऊपर करते हैं, मतलब वो जो सर्च इंजन यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो गूगल होता है 93%। 2.54 हैं वो बिंग यूज करते हैं जिसका पहले नाम था MSN माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, और सिर्फ 1.82% जो कि याहू को यूज करते हैं सर्चिंग के लिए। तो मोस्टली हम लोग भी सर्चिंग के लिए सबसे पहले गूगल को ही खोलते हैं और उसी से हम लोग जो चीज़ हम लोगों को चाहिए होती है, जो डाटा या कंटेंट हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है हम लोग उसको बताते हैं, देन वो हम लोगों को डाटा बेस से सर्च करके वो चीज़ हमें प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है सर्च इंजन्स के सेवरल फंक्शंस आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसी को ही मेन टॉपिक ही हमारा एक्चुअली ये है कि इन जो फंक्शंस हैं इसको इन डेप्थ हम लोगों ने स्टडी आउट करना। सबसे पहले हमारे पास क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन और गिविंग रिजल्ट। जो ये पहले दो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेन काम क्या होता है इन दो का होता है, क्रॉलिंग का और इंडेक्सिंग का। तो क्रॉलिंग हमने पहले पढ़ ली है क्या थी, कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर मूव ऑन करना, नेविगेट करना, और जिस जिस वेब पेज के ऊपर से होते जाना है उसका सारे का सारा डाटा है उसको रीड आउट करते जाना, उसका सोर्स को रीड आउट करते जाना और उस डाटे को एक जगह पे स्टोर करते जाना, एक जगह पे कलेक्ट करते जाना। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या है कि जो डाटा हम लोग कलेक्ट कर चुके होते हैं डिफरेंट वेब पेजेस से क्रॉलिंग करते हुए, डिफरेंट डाटे को कलेक्ट कर चुके होते हैं उसको हमने एक फॉर्मेट वे के अंदर, एक डेटाबेस के अंदर ऐड करना होता है। उस डेटाबेस के अंदर ऐड करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंडेक्सिंग कहा जाता है। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है रैंकिंग। रैंकिंग में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली हमारा जो कंटेंट है वो किस हिसाब से रैंक्ड है, क्योंकि जब भी हम लोग सर्च करते हैं कोई एक स्पेसिफिक कंटेंट तो वो जो टॉप रैंक्ड कंटेंट होते हैं हम लोगों को वो डिस्प्ले होते हैं। और मोस्टली यूजर एंड यूजर्स क्या करते हैं, जो पहले तीन चार या पहले दो तीन जो भी रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसके ऊपर क्लिक करके वो रिक्वायर्ड डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो रैंकिंग क्या है एक्चुअली,
ये हमें SEO प्रोवाइड करती है। अगर हमने SEO एक अच्छे तरीके से यूज की हो तो हमारी जो वेबसाइट होगी वो टॉप रैंक्ड होगी। देन फोर्थ पे आ जाता है हमारे पास स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो इंडेक्सिंग के बाद उसकी रैंक बना दिया, उस डाटे को रैंक्ड बना दिया हुआ है, और उसके बाद उसको एक डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। एंड देन एट द लास्ट, जब भी यूजर उसको सर्च आउट करता है कोई कंटेंट को, तो वो उसको उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उसको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब इन सारों को हमने मजीद डिटेल में स्टडी आउट करना है। हर एक पॉइंट को मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टार्ट पे दे दिया है। अब हम लोग हर जो स्लाइड है उसके ऊपर एक डिटेल के साथ चलेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पहला पॉइंट, क्या था? क्रॉलिंग। क्रॉलिंग इज द डिस्कवरी प्रोसेस इन विच द सर्च इंजन सेंड आउट अ टीम ऑफ रिबोट्स नोन एज क्रॉलर्स और स्पाइडर्स। अभी हमने क्रॉलर्स के कितने नाम पढ़ लिए? एक क्रॉलर, एक रिबोट्स, एक स्पाइडर, और एक हमने पढ़ा था, ठीक है? तो चार नाम हमने स्टडी आउट कर लिए हैं, बोट, स्पाइडर, रिबोट्स और क्रॉलर्स। अब ये क्या करते हैं, टू फाइंड न्यू एंड अपडेटेड कंटेंट। जो भी नया डाटा आपके वेब के ऊपर आया होता है, www के ऊपर जो भी नया डाटा आया होता है उसको रीड आउट किया जाता है और उसको अपडेट किया जाता है। कंटेंट कैन बी वेरी, इट कुड बी अ वेब पेज एन इमेज, वीडियो, अ PDF एटसेट्रा। मतलब वो जो डाटा है वो वेरी कर सकता है, वो जो कंटेंट है वो वेरी कर सकता है, वो कोई भी वेब पेज भी हो सकता है, वो कोई भी इमेज भी हो सकती है, कोई वीडियो, कोई PDF, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है जिसको एक्चुअली हमने न्यू प्लेस किया होता है ऑनलाइन डेटाबेस के ऊपर। बट रिकॉर्डलेस ऑफ द फॉर्मेट कंटेंट इज डिस्कवर्ड बाय दी लिंक्स। लेकिन हम लोग फॉर्मेट को इतना मद्देनजर नहीं रखते हैं, हम लोग लिंक्स के थ्रू उस कंटेंट को डिस्कवर कर लेते हैं। अब ये जो नीचे इमेज की दी गई है, ये क्या डिस्प्ले करवा रही है हमें, कि हमारे पास ये क्या है, स्पाइडर्स, ये डिफरेंट स्पाइडर्स हैं, मतलब ये हमारे पास डिफरेंट क्रॉलर्स हैं, और ये क्या है, डिफरेंट वेब पेजेस हैं, एक हो गया, दो हो गया, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, नहीं ये स्पाइडर है, ठीक है, सेवन हमारे पास वेब पेजेस हैं। अब ये सेवन वेब पेजेस के ऊपर से डाटा कौन कलेक्ट कर रहा है? ये स्पाइडर्स, ये क्रॉलर्स डेटे को कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर मूव ऑन करके, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज से, दूसरे वेब पेज से मूव ऑन होते हैं तीसरे वेब पेज के। तो ये सारे का सारा डेटे को कलेक्ट कर लेते हैं। वो डेटा डिफरेंट तरह का हो सकता है, इमेज, वीडियो या PDF भी हो सकती है। गूगल बोट स्टार्ट आउट बाय द फेचिंग अ फ्यू वेब पेजेस एंड देन फॉलो द लिंक्स ऑन दीज वेब पेजेस टू फाइंड न्यू URLs। गूगल बोट अब क्या है, हमारे पास ये बोट ही है, बोट है, स्पाइडर है। अब ये क्या करता है, वेब पेजेस से डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको फेच करता है, उसको डाटे को निकालता है वहां से, डाटे को रीड आउट करता है, सोर्स कोड को पढ़ता है, वहां से जितना भी डाटा फिर कलेक्ट होता है वो देन फिर वो एक डेटाबेस के अंदर वो प्लेस करता है। तो क्या है, न्यू URLs जब हम लोगों को मिलते हैं, या जो जो गूगल बोट है उसको जब न्यू URLs मिलते हैं, तो वो क्या करता है, न्यू URL से, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से डाटे को कलेक्ट कर। बाय हॉपिंग अलोंग दिस पाथ ऑफ लिंक्स द क्रॉलर इज एबल टू फाइंड अ न्यू कंटेंट एंड एड इट टू देयर इंडेक्स कॉल्ड कफीन। अब क्या किया जाता है, जो डाटा हमने डिफरेंट वेब पेजेस से कलेक्ट कर लिया होता है उस डाटे को एक इंडेक्स के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। इंडेक्स क्या है, हमारे पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस का नाम क्या रख दिया है, कफीन रख दिया, ठीक है। ये क्या है, एक लार्ज डेटाबेस होती है जो कि डिस्कवर करती है डिफरेंट URLs को, जो भी नया कंटेंट वेब के ऊपर आया होता है उसके डाटे को फेच करके तो ये डेटाबेस के अंदर स्टोर करती है। टू लेटर बी रिट्राइव्ड व्हेन अ सर्चर इज सीकिंग इंफॉर्मेशन द कंटेंट ऑन द URL इज गुड मैच फॉर। वो डाटा क्यों प्लेस किया जाता है डेटाबेस के अंदर, कफीन के अंदर, इंडेक्स के अंदर वो डाटा क्यों रखा जाता है, एक लार्ज डेटाबेस के अंदर क्यों रखा जाता है, ताकि एक नया बंदा जब आता है सर्च इंजन के ऊपर, वो जब सर्च आउट करता है वो रिक्वायर्ड डाटा, मे बी वो वही डाटा सर्च करे जो आपने डेटाबेस के अंदर रखा है, तो आप क्या करोगे, वो डाटे को डेटाबेस से निकाल के उस बंदे को रिक्वायर्ड डाटा उसको उसके सर्च इंजन के ऊपर प्लेस कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए डाटे को क्या किया जाता है, एक प्रॉपर वे में
उसको स्टोर किया जाता है एक डेटाबेस के अंदर, जिस डेटाबेस का नाम क्या है, कफीन। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंडेक्सिंग सर्च इंजन। सर्च इंजन प्रोसेस प्रोसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन दे फाइंड इन एन इंडेक्स एंड ह्यूज डेटाबेस ऑफ द कंटेंट दे हैव डिस्कवर्ड एंड डीम गुड इनफ टू सर्व अप द सर्चेस। वही बात के सारे के सारे डाटे को क्या किया जाता है, एक डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लिया जाता है ताकि जब कोई भी सर्चर उसको सर्च आउट करें तो वो उनके लिए इनफ हो, उनको इजी टू एक्सेस हो डाटा। इंडेक्सिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द सर्चर सर्च इंजन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बिफोर अ सर्च टू इनेबल सुपर फास्ट रिस्पॉन्स टू द क्यूरीज। सारा डाटा वो इसलिए स्टोर किया जाता है ताकि सुपर फास्ट रिस्पॉन्स जो सर्चर्स हैं उनको सुपर फास्ट रिस्पॉन्स दिया जा सके उनकी क्यूरीज से रिलेटेड। वो जो भी डाटा सर्च करें उनको फास्ट वे से उनको रिस्पॉन्स करके उनको वो जो रिक्वायर्ड डाटा है उनको दे दिया जाए। सर्चिंग थ्रू इंडिविजुअल पेजेस फॉर द कीवर्ड्स एंड द टॉपिक्स वुड बी अ वेरी स्लो फॉर द सर्च इंजन टू आइडेंटिफाई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है कि समटाइम्स हम लोग आगे एक फिगर भी आएगी उसमें भी आप लोगों को ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट वेब एक वेब पेज दूसरे वेब पेज के ऊपर लेके जा रहा होता है लेकिन पहला वेब पेज दूसरे वेब पेज से टोटली डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास हम लोग सर्च करते हैं एक रेस्टोरेंट की आ जाती है, दूसरा हमारे पास आ जाता है ई कॉमर्स की कोई भी साइट, ठीक है, तीसरी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेटिक वेब पेज आ जाता है जिसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन दी गई होती है। अब ये तीनों क्या है, तीनों डिफरेंट चीजें हैं। ई कॉमर्स अलहदा है, रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन अलहदा है और जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो अलग है। अगर हम लोग एक डेटाबेस के अंदर इसको स्टोर नहीं करेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट एक प्रॉपर सॉर्टिंग वे के अंदर इसको हम लोग वहां पे प्लेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, हर वेब पेज के ऊपर जा जाके डाटे को सर्च आउट करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, स्लो प्रोसेस होगा सर्च इंजन का। जो एंड यूजर्स हैं वो एक चीज रिट्राइव करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक डाटा कंटेंट देखना चाह रहे हैं तो वो डाटे कंटेंट को वो सारे वेब पेजेस के अंदर देखेंगे। क्यों, क्योंकि उसने उस डाटे को ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर नहीं रखा होगा। तो अगर इस तरह होगा तो काम क्या होगा, स्लो होगा। आप एंड यूजर्स को डेटाबेस क्या करेगी, स्लो रिस्पॉन्स करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैंकिंग। रैंकिंग में क्या है, व्हेन समवन परफॉर्म अ सर्च इंजन इंजन स्कोर देयर इंडेक्स फॉर द हाईली रेलिवेंट कंटेंट एंड देन ऑर्डर द कंटेंट इन द होप्स ऑफ सॉल्विंग दिस सर्च क्वेरीज, द ऑर्डर ऑफ सर्चिंग रिजल्ट्स बाय द रेलिवेंस इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहा जाता है, रैंकिंग कहा जाता है। रैंकिंग हमारे पास बेसिकली क्या है कि जो भी रेलिवेंट डाटा है वो किस हद तक आपको जो यूजर है उसको नजर आता है सर्चेज की क्यूरी के मुताबिक। कि मतलब आपका डाटा ये ना हो कि आपके साथ में आठवें पेज पे जाकर डिस्प्ले हो रहा है तो आपकी एसईओ क्या है, वेरी पुअर है। तो रैंकिंग क्या है, आपको रैंक कर दिया जाता है पोजिशन वाइज आपके कंटेंट वाइज कि एक्चुअली आपका कंटेंट कितना बेहतर है, आपने कितनी एसईओ को बेहतरीन तरीके से यूज किया हुआ है, तो इस हिसाब से आपका जो रिजल्ट्स है वो रेलिवेंट जो रिजल्ट यूजर चाह रहा होता है उसके हिसाब से उसको रैंक कर दिया जाता है। इसके लिए डिफरेंट कीवर्ड्स भी होते हैं कि आपने अगर स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं जो मोस्टली एंड यूजर्स यूज करते हैं सर्चिंग के लिए तो देन आपकी जो डेटाबेस है वो थोड़ी सी टॉप में चली जाएगी, आपकी जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी टॉप में चली जाएगी। इन जनरल यू कैन अज्यूम In general, you can assume that the higher a website is ranked, the more relevant search engines believe that the site is to the query. वही बात कि अगर वेबसाइट आपकी ज्यादा रैंक्ड होगी तो सर्च इंजन्स क्या करेंगे, ज्यादा बिलीव करेंगे और हर क्यूरी के रिजल्ट में वही वेबसाइट डिस्प्ले करवाएंगे जो कि हाई रैंक्ड होगी। इट पॉसिबल टू ब्लॉक सर्च इंजन क्रॉलर्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ऑल द साइट और इंस्ट्रक्ट सर्च इंजन टू अवॉइड स्टोरिंग सर्टन पेजेस इन देयर इंडेक्स व्हाइल देयर कैन बी रीजन फॉर डूइंग दिस। अब ये दूसरे पैराग्राफ के अंदर क्या कहना चाह रहा है कि सर्च इंजन क्या कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं, मतलब जो यूजर्स हैं वो अपनी साइट के ऊपर सर्च इंजन क्रॉलर्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं ताकि वो सारे के सारे डाटा को रीलोड ना करें, देन वो डेटाबेस के अंदर प्लेस ना करें, वो सारा प्रोसेस ना हो। लेकिन ये भी किसी रीजन के तहत होना चाहिए ना, ठीक है। अब रीजन कोई भी ऑथेंटिक रीजन हो तो देन आप उसको ब्लॉक करें। If you want your content found by the searchers, you have to first make sure that it's accessible to the crawlers and is indexable.
लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपका डाटा है वो आपका जो जनरल पब्लिक है वो उसको सर्च करे, उसको वो डाटा नजर आए, वो जब भी उससे रेलिवेंट कोई भी कीवर्ड यूज करे तो आपका डाटा उसको फौरन नजर आए, ठीक है। अगर आप ये बात चाह रहे हैं तो आपको कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए सर्च इंजन क्रॉलर्स को, ठीक है। तो ये एक बैड प्रैक्टिस है कि आप क्या करते हो कि उनको ब्लॉक कर देते हो, और ये भी चाह रहे होते हो कि आपके जब भी एंड यूजर आपके डाटा से रेलिवेंट चीज को सर्च आउट करे तो आपका डाटा सबसे पहले प्लेस हो, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आप उसको ब्लॉक कर दोगे, ठीक है, सर्च इंजन क्रॉलर्स को ब्लॉक कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको वो शो वो आपका जो डाटा है वो आपकी जो वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो आपके जो जनरल पब्लिक है उसको शो आउट नहीं होगा। उसके बाद लास्ट टू हमारे पास उसके फंक्शंस हैं, स्टोरिंग एंड रिजल्ट्स। स्टोरिंग में आ जाता है टू मेक द सर्च क्विक एंड इजी, इट्स क्रूशियल टू स्टोर द वेब कंटेंट विद इन द डेटाबेस। उस डेटाबेस को क्या किया जाता है, एक क्विक सर्च के लिए, इजीनेस के लिए, ये बहुत अहम बात है कि उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जा सके, इसलिए उसको स्टोर कर लिया जाता है, स्टोरिंग का अमल किया जाता है। अब स्टोरिंग के अमल में क्या होता है कि जो न्यू यूआरएल होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है ओल्ड यूआरएल के साथ। मतलब अगर कोई कंटेंट बहुत बेस्ट आया है या कोई कंटेंट ज्यादा रैंक में आया है तो उस कंटेंट को रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू कंटेंट के साथ, कि अगर नया कंटेंट अच्छा आया है और पुराना इतना अच्छा नहीं था तो पुराने वाले को रिमूव करके न्यू वाला यूआरएल उसकी जगह पे प्लेस कर दिया जाएगा, ताकि जब भी सर्चिंग हो तो न्यू वाला यूआरएल फाइंड आउट हो सके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिजल्ट्स। दीज आर दी हाइपरलिंक्स टू दी वेबसाइट दैट अपीयर इन दी सर्च इंजन आफ्टर यू हैव टू टाइप योर क्यूरी। हाइपरलिंक्स हमारे पास क्या है, हाइपरलिंक में क्या होता है कि कोई भी इमेज भी हो सकती है, कोई भी टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई भी एक स्पेसिफिक लाइन भी हो सकती है जिसके पीछे कोई ना कोई लिंक लगाया गया हो। कोडिंग के अंदर कोई ना कोई लिंक प्लेस किया गया हो उस स्पेसिफिक कंटेंट के पीछे, तो ताकि यूजर जब भी उसके ऊपर क्लिक करे तो वो एक न्यू वेब पेज के ऊपर मूव ऑन हो जाए। तो रिजल्ट, वैसे हाइपरलिंक्स क्या है कि जब भी हम लोगों को एक रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है तो हम लोग गूगल के ऊपर लिखते हैं कि हम लोगों को ये कंटेंट चाहिए, तो हमारे पास डिफरेंट हाइपरलिंक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हाइपरलिंक्स क्या होते हैं कि हमारी क्यूरी का एक्चुअली आंसर होता है, हमारे क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर होता है जो हमने टाइप किया होता है। तो हमारे पास डिफरेंट हाइपरलिंक्स आ जाते हैं, हम लोग किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना जो क्यूरी है उसको, जो आंसर है उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ डू सर्च इंजन वर्क, एवरी सर्च इंजन यूज डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूलाज टू जनरेट डिफरेंट रिजल्ट्स। अब हर सर्च इंजन क्या करता है, एक एल्गोरिदम के तहत काम कर रहा होता है, कोई ना कोई उसके पास उसके पीछे सर्चिंग एल्गोरिदम लगाया गया होता है जिसके मुताबिक वो जो डाटा है वो हम लोगों को निकाल के दे रहा होता है। तो गूगल सर्च एल्गोरिदम क्या करता है, मिलकर यूजर की क्यूरी को सॉल्व करता है। द रिजल्ट फॉर द स्पेसिफिक क्यूरी आर देन डिस्प्लेज ऑन द एसईआरपी। तो जो भी हमारे पास उसके पास गूगल के पास सर्च इंजन के पास जो भी रिजल्ट आते हैं हमारी क्यूरी के रिलेटेड, तो वो हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर शो करवा देता है। मैंने पहले भी बताया सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या था, कि कोई भी आप चीज सर्च आउट करते हो तो वो जो पूरे का पूरा पेज आता है, वो कोई 7-8 आपके पास लिंक्स आते हैं, वो पूरे का पूरा पेज क्या कहलाता है, आपके पास सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास फिगर में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन पूरे का पूरा काम बताया हुआ है, हमने थ्रेटिकल थोड़ा सा रीड आउट कर लिया है, अब हम लोग फिगर के साथ इसको मजीद डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली सर्च इंजन की वर्किंग है, किस तरह वर्किंग है, ये हमारे पास क्या है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या करता है कि इसके ऊपर क्रॉलर्स और स्पाइडर्स आके क्या करते हैं, सारे के सारे डाटे को रीड आउट करते हैं, जो भी नया डाटा आया होता है इसके डाटे को यहां से रीड आउट करते हैं, ठीक है। क्रॉलर्स, स्पाइडर्स, बोट्स, ये सारे के सारे आके WWW के ऊपर सारे के सारे जो नया डाटा आया होता है, अपडेट डाटा आया होता है, उसके सोर्स कोड को रीड आउट करते हैं कंप्लीटली। देन क्या करते हैं, सोर्स कोड को रीड आउट करने के बाद उस डाटे को लोकल सर्वर के ऊपर सेव कर दिया जाता है। लोकल सर्वर मींस कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं है उसकी, ठीक है,
एक बेहतरीन सर्वर नहीं है। इसमें क्या हुआ हुआ, हमने तीन एग्जांपल्स ली थी, रेस्टोरेंट वाली, ई कॉमर्स वाली और एक इंफॉर्मेशन साइट वाली। अब इसमें क्या है, डाटा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा नहीं पड़ा हुआ। दूसरे नंबर पे हमने कौन सा काम पढ़ा था, इंडेक्सिंग का। पहले पे क्रॉलर था, दूसरे पे हमने पढ़ा था इंडेक्सिंग का। तो इंडेक्सिंग क्या है हमारे पास, इसने डाटा क्या करना था, एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर डेटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करना था। अब एक कैटेगरी इसमें आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट वाली कैटेगरी इसमें आ जाएगी, ई कॉमर्स वाली कैटेगरी इसके अंदर आ जाएगी। तो ई कॉमर्स वाला सारा डाटा कैटेगरी टू में और रेस्टोरेंट का सारा डाटा कैटेगरी वन के अंदर। और बाद में हमारे पास ये लार्ज डेटाबेस के अंदर मेन सर्वर के अंदर आके सारे का सारा डाटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर दिया जाता है। ये किसने स्टोर किया है, इंडेक्सर ने स्टोर किया है। किस तरह किया है, डिफरेंट कैटेगरीज बना के रेलिवेंट डाटा की, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर एक मेन सर्वर के अंदर सारे के सारे डाटा को स्टोर कर दिया। उसके बाद क्या किया जाता है, डाटा की रैंकिंग की जाती है, ठीक है, कि डाटा की एसईओ किस लिहाज से बेहतर, डाटा की एसईओ कितनी बेहतर है, कौन से एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं, कौन से एल्गोरिदम्स को यूज किया हुआ है, ठीक है, तो कौन से कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, डाटा कितना अच्छा है, कंटेंट कितना अच्छा है, तो वो रैंकिंग के एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग डाटा को रैंक कर दिया जाता है। रैंकिंग के बाद क्या होता है, हम लोग यहाँ से देखते हैं, अगर कोई एंड यूजर एक क्यूरी सेंड करता है सर्च इंजन, सेंड अ क्यूरी, एक क्वेश्चन सेंड कर रहा है एक सर्च इंजन को, फॉर एग्जाम्पल वो गूगल को कर रहा है, हम गूगल को यूज कर रहे हैं, तो वो गूगल को अपनी क्यूरी सेंड कर रहे हैं। चलें फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग को उसने सर्च आउट किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक टर्म है, उसको उसने सर्च आउट किया। अब गूगल क्या करेगा, उसकी रैंकिंग देखेगा, उस कीवर्ड की, उस क्यूरी की रैंकिंग देखेगा कि इस वर्ड को कितने लोगों ने सर्च किया है, ठीक है, इसके मुताबिक कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जो टॉप ट्रेंडिंग के अंदर आ रहे हैं, देन उस रैंकिंग के मुताबिक डेटाबेस से डेटा लिया जाएगा और वो वापस रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी और वापस रिजल्ट्स को शो करवा दिया जाएगा। क्या हुआ, यूजर ने क्यूरी सेंड की गूगल के पास, गूगल ने रैंकिंग एल्गोरिदम के मुताबिक डेटा को कलेक्ट किया मेन सर्वर में से, देन वो रिक्वेस्ट बैक हुई गूगल को और गूगल ने सारे के सारे जो रिजल्ट शो करवा दिए उस क्यूरी के आपको पेज के ऊपर, सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वो शो आउट करवा दिए। तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो है जो कि एक्चुअली सर्च इंजन के ऊपर काम कर रहा, जिसके ऊपर सर्च इंजन काम कर रहा होता है। ये दूसरी फिगर भी है, थोड़ी सी डिफरेंट है उसमें, इसमें भी क्या होता है, बात वही है कि सर्च इंजन होते हैं वो क्या करते हैं, वेब क्रॉलर और स्पाइडर्स क्या करते हैं, डाटा को रीड आउट करते हैं, उन वेबसाइट से डाटा की कॉपीज बना लिया, उन इंफॉर्मेशन की कॉपीज बनाने के बाद क्या किया जाता है, डाटा को स्टोर कर दिया जाता है डेटाबेस के अंदर। ये डेटाबेस, इसी डेटाबेस से डाटा ने निकलना है और दोबारा सर्च इंजन को डिस्प्ले करवा देना है। जब भी कोई क्यूरी की जाएगी सर्च इंजन से, गूगल को कोई भी बात कही जाएगी कि हमें ये सर्च आउट करके दे दो, तो इसी डेटाबेस से डाटा ने निकल के वो एंड यूजर तक डिस्प्ले होना। काम वही है, थोड़ी सी फिगर डिफरेंट है, ठीक है। तो कहाँ क्या है, वेब क्रॉलर्स और स्पाइडर्स ने क्या करना है, वेबसाइट्स को रीड आउट करना है, सारे के सारे डाटे को पढ़ना है और उसको फिर एक डेटाबेस के अंदर डाटे को इंडेक्सिंग कर लेनी है, उस डाटे को स्टोर कर लेना है, ताकि जब भी कोई एंड यूजर उस डाटे को सर्च आउट करे तो उस डेटाबेस से डाटे को फेच करके यूजर तक उसके रिजल्ट पहुंचा दिए जा सके। उसके बाद हमने एक छोटी सी टर्म कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एससीओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है हमारे पास, इन सिंपल टर्म एससीओ इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर साइट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी फॉर द रेलिवेंट सर्चिज। आपने क्या किया है, एक जो वेबसाइट बनाई है, एक कंटेंट बनाया, उसको क्या कर दिया है, डोमेन खरीद के उस डाटे को आपने ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया है जनरल पब्लिक। अब उस आपके डाटे से रिलेटेड, आपके कंटेंट से रिलेटेड जब भी कोई सर्चिज की जाती हैं, एंड यूजर कोई भी सर्चिज करता है, तो आपका डाटा किस हद तक विजिबल होता है एंड यूजर को, तो ये क्या है, एक्चुअली एसईओ है, कि आपकी साइट, आपका जो डाटा है वो रेलिवेंट सर्चिज के मुताबिक कितना विजिबल होता है एंड यूजर्स को, ये एक्चुअली एसईओ है। अगर आपकी एसईओ सही तरह नहीं हुई होगी तो क्या होगा, आपका डाटा डिस्प्ले नहीं होगा, आपका डाटा टॉप रैंक के अंदर नहीं जाएगा। द वर्ल्ड ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड एवर चेंजिंग। अब
बट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द बेसिक एंड इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसईओ नॉलेज कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, एवर चेंजिंग क्यों है? कॉम्प्लेक्स एवर चेंजिंग का मतलब है कि ये हर जो सर्च इंजन है उसका डिफरेंट एल्गोरिदम होता है, डिफरेंट एल्गोरिदम चेंज भी होते रहते हैं कि किस हिसाब से आपके डाटे को विजिबल किया जाएगा एंड यूजर तक। तो ये एवर चेंजिंग चीज है, आपकी आप उस उन पॉलिसीज के मुताबिक अपनी एसईओ करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट की, ताकि आपका जो डाटा है वो रेलिवेंट सर्चेज को विजिबल हो जाए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप रैंक में शुमार नहीं होगी। इसको इजीली हम लोग अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसईओ नॉलेज कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अब देखें सिंपल, हम लोग इससे अगली स्लाइड में देखते हैं कीवर्ड्स वगैरह का। सिर्फ कीवर्ड्स बेहतर तरीके से लगाने से, एक कंटेंट बेहतर लगाने से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा, आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप रैंक के अंदर चली जाएगी। तो सिर्फ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए होता है एसईओ का, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो मेन जो चार चीजें यूज की जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या हैं? वो स्पेशल वर्ड्स हैं जिसको जो यूजर है वो सर्च आउट करते हैं। अब मैंने पहले एग्जांपल आपको दी थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी डिफरेंट लोग सर्चेज करते होंगे। कोई करता होगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी, ठीक है। तो वो सारी की सारी बातें क्या है, वो कीवर्ड्स हैं। तो आपके कीवर्ड्स जितने ऑथेंटिक होंगे, जितने रेलिवेंट होंगे, आपको ये बात मद्देनजर रखनी पड़ती है कि यूजर किन वर्ड्स को यूज करके इस डाटे को सर्च आउट करेगा। तो वो एक्चुअली कीवर्ड्स होते हैं जिसकी बेस पे आपकी जो डेटाबेस है उसकी एसईओ बेहतर हो जाएगी। सेकंड पे आ जाता है कंटेंट। कंटेंट के आपका जो डाटा है वो बेहतर होना चाहिए, यूनिक टेक्स्ट होना चाहिए। आपका डाटा ऐसा ना हो कि आपने नेट से ही दोबारा उठा के फिर दोबारा प्लेस कर दिया हो, कॉपीराइट का इशू आ जाता हो, तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है सोशल। सोशल में क्या आ जाता है कि जो भी आपका डाटा आपने प्लेस किया हुआ है आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर भी प्लेस करें। मतलब अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो आप उसके लिंक्स सोशल मीडिया के ऊपर भी दें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिफरेंट जगह पे आप लोग उसके जो लिंक्स प्रोवाइड करें ताकि लोग वहां से देखें और आपकी जो उसकी व्यूअर्स हैं वो उसके इंक्रीज हो जाए। फर्स्ट पे फिर आ जाता है हमारे पास लिंक्स। वही बात कि आप उसके डिफरेंट लिंक्स बनाएं, डिफरेंट लिंक्स की स्ट्रेटजी बनाएं जिसके मुताबिक आपकी जो रिक्वेस्ट है वो टॉप के अंदर आए, आपका जो डाटा है वो टॉप रिजल्ट्स के अंदर आ जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक